अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मुझे खुशी है बेटा कि तुम्हारी सोच अब ऐसी हो गई है। भौजी, उस दिन प्रधान जी चौपाल पे बच्चों की पार्क के लिए बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा भौजी क्यों ना एक ऐसा पार्क बनवाया जाए जहाँ बच्चों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी टाइम बिता पाए। अब दादाजी के नाम पे मैं पार्क बनवाना चाहता हूँ। विचार तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन भौजी ये पार्क बनवाने में बहुत खर्चा होगा। हर माँ के दिल में कहीं ना कहीं बात होती है कि किसी दिन जिस बच्चों को उसने पाल पोस के बड़ा किया है और उसके जीवन की पहली कमाई उस माँ को उतनी खुशी देती है जितनी उसके पैदा होने पर थी। जो खुशी इस बार उनकी आवाज में झलक रही थी ना फोन पर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वरना माँ की भावनाओं को देखकर तुम अपने आप को भी रोने से रोक नहीं पाते सूरज। यार चंदन, ये बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम देख रहे हो ना माँ, बाहूजी के खाते में पैसा होते हुए भी हमें एक पैसा नहीं दिया है। ऊपर से आदर्शवाद के इतने सारे भाषण दे दिए, हमारा कान दर्द करने लगा। माँ तुम तो बोल रही थी ना कि एक चुटकी में पैसा निकाल लोगे। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये आदमी के दिल में दिल भर भी अपना इकलौता बेटा के लिए प्रेम नहीं है। ये जमीन जायदाद पैसा कौड़ी बेटा के सुख से ज्यादा बड़ा होता है का? देखो अब तुम भाषण मत दो और हमको ही बताओ कि अब हम क्या करें। बहुत विश्वास था तुम पे, तुम्हारे इसी विश्वास की वजह से हमने कहीं भी हाथ पांव नहीं चलाया। को तो लगता है कि ये सब जोन कुछ भी उनके पास है ना, मास्टर साहब अपनी अर्थी के साथ लेकर जाएंगे। देखो अम्मा, हमको तब ये लगता है बाबूजी के पास जो भी कुछ है ना सब किरणिया को ही देके जाएंगे। ऐसे कैसे देके जाएंगे? हाँ, जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है ना तो मास्टर साहब भले ही किरणिया से बात कितना भी कर ले पर उनकी जमीन जायदाद का एक ढेला इधर उधर नहीं होने देंगे। देखो अम्मा, तुम जो है ना खाली हमारे सामने पिटी पिटी कर लेती, लेकिन बाबूजी से एक पाई भी हमको नहीं दिला पाई। बेटा तुम कुछ भी कह लो पर मलकिन तो हम ही है इस घर की। ये जो चटर पटर किस्म किस्म का हम तुम्हारे बाबूजी के लिए खाना बनाते रहते हैं ना, मेहनत लगता है उसमें। अब तुम देखो कि खाना पीना तो दूर, एक बूंद पानी के लिए भी तरसा देंगे हम। देखो माँ, तुमको जो करना है करो, लेकिन हमको तो अब यकीन हो गया है तुमसे और बाबूजी से एक चवने नहीं मिलने वाला है हमको। अरे अरे धीरज बाबू, नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। अरे धीरज बाबू, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे भाई, मैं सोचा कि छबीली मौसी के हाथों की बनी चाय पीता जाऊं। अरे चाय क्या, खाना खा कर जाना। अरे ऐसे थोड़ी ना खाना खाऊंगा, उसके लिए तो मुझे खास न्योता देना पड़ेगा। अरे जाओ, चाय बन गई होगी, ले क्या? हाँ। और बताइए। अच्छा, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि सूरज का काम शहर में अच्छा चल रहा है। हाँ, मुझे भी इस बात की खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात खटकती है कि सूरज जैसे होनहार लोगों को यहाँ गांव में रहकर अपनी प्रतिभा का योगदान देना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा धीरज बाबू, हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। अब हमको ही ले लो, लड़कियां पाउडर लिपस्टिक विदेशी मंगवाती हैं।
अब हमने खिलौने बेचना शुरू किया तो लोग यहाँ का खिलौना लेने की बजाय विदेशी सस्ता खिलौना मंगवाते हैं। हाँ, हम भी प्रधान जी के साथ मिलके ना कोशिश कर रहे हैं कि हम जो तकनीकी प्रशिक्षण हासिल किए हैं ना उसको पूरा गांव के नौजवान में ना बांटे ताकि रोजगार का नया नया अवसर खुले। हाँ, मैंने भी देखा कि बच्चे ये समझने को तैयार हैं कि अगर उन्हें नई दिशा दी जाए तो वो गांव में अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने बात की उनसे तो यही लगा कि वो बड़े होकर शहर जाना चाहते हैं। सबके मन में यही बात थी। अरे, ये तो बहुत अच्छी गुड़िया है, कहां से खरीदी? ये हम खुद बनाए हैं। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ये सब भी बना सकती हो। अरे, ये तो ऐसा ऐसा कितना सुंदर सुंदर बना चुकी है। अच्छा? हाँ, टैलेंटेड है। अच्छा, एक ऐसी गुड़िया बनाओ जो हमारे गांव की लड़की का रंग रूप दर्शाता हो। अरे, बना दो अपने जैसा एक गुड़िया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा धीरज बाबू, आशा भौरिया को कुछ है का? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। का सोच रहे थे? देखो, दुनिया की सबसे मशहूर गुड़िया थी बारबी, तो अपने गांव की गुड़िया क्यों नहीं मशहूर हो सकती? अब हम समझे नहीं। मैं सोच रहा हूं कि छबीली की गुड़िया का पेटेंट ले लें। अच्छा, का मतलब? मतलब ये है, फिलहाल इतना समझो कि हम एक जगह गुड़िया बनाने और बेचने का ठेका ले सकते हैं। किस्मत अच्छी रही और गुड़िया चल निकली तो तुम्हारा और पूरे गांव के वारे नारे हो जाएंगे। फिर तो हम भी वो नुक्कड़ वाले दुकान से पैसा लेकर आएंगे। नुक्कड़ वाली दुकान? अरे, ग्राहक सेवा केंद्र का नामकरण कर दिए। अच्छा, तो हम आज से ही गांव के ही लड़की बनाना शुरू कर देते। हाँ। चलो, घर का सारा काम समाप्त हो गया। अब फुर्सत से वो विषय पढ़ती हूँ जो सबसे मुश्किल है, जिसमें एकाग्रता की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये वाला। अभी तक तो सब सोए हुए थे, ये अचानक भजन कहां से बजने लगे? क्या करूं? जाकर देखती हूं, फिर पढ़ती हूं। पार्वती पिता।
जोर से गाओ, खाना वाना नहीं खाया? अरे सबको प्रसाद मिलेगा, भक्ति में लीन हो जाओ, जोर से गाओ जोश के साथ। माता जाती पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश। ये क्या हो रहा है? कमाल है, आपने बताया नहीं कि घर में भजन मंडली आने वाली है। इतनी मुश्किल से तो पढ़ने का मौका मिला था, वो भी सत्यानाश हो गया। ये वेशभूषा धारण करके उनको मैं मुट्ठी में करने गया था, नहीं तो हमारे बाबूजी अपने सामने हमको खड़ा कहाँ करते। अच्छा, तो बात कहाँ तक पहुंचा है? बात तो अभी रास्ते में है चाचा, आज मैंने उनसे पैसा मांग ही लिया है। तसल्ली इस बात का है चाचा, उन्होंने अभी दिया तो नहीं है मुझे पैसा, लेकिन ना भी नहीं कहा है। किसके रोके रुका है सवेरा? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा? आप बता देती कि घर में भजन होने वाला है। ओ तो मतलब अब तुमसे पूछ कर तय किया जाए कि कीर्तन कब करना है, कौन सा काम कब करना है? हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था, अगर आप बता देती तो मैं आपकी मदद कर देती। जिसे मदद करनी होती है ना वो पूछता नहीं, और वैसे भी जिन लोगों को मदद करनी थी वो है यहाँ पर। अब हम आ गए हैं ना, तो बताइए ना क्या काम करना है। आशा तुम तो रहने ही दो और जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। वैसे भी इस शोर में अब पढ़ाई तो हो नहीं सकती, तो बताइए ना मैं आपकी मदद ही कर देती हूँ। हे भगवान, कुछ तो शर्म करो। कीर्तन को, पूजा पाठ को तुम शोर कह रही हो? अरे राम राम, ऐसे पूजा को देख के तो श्री गणेश जी भी स्वयं प्रकट हो जाए और आशीर्वाद दे दे, पर तुम क्या समझोगे ये सब चीजें? मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, कृपया करके मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। अरे तुम्हारे होते हुए ना इस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती, ये तो तय है। अरे बड़ी मुश्किल से तो मैंने कीर्तन मंडली बुलाई थी इस घर की सुख शांति के लिए, ताकि इस घर पे कृपा बनी रहे, लेकिन एक तुम हो, कभी कोई काम अच्छा होने ही नहीं दोगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी अच्छा करना चाहती हूँ कोई ना कोई विघ्न आ ही जाती है। आशा, जिस दिन तुम्हारे लिए इस घर के द्वार बंद होंगे, धीरज के दिल के द्वार मेरे लिए खुलेंगे। वाह, इस नए रूप में तो एकदम बहुत जच रहे हो, एकदम ललन टॉप। आज तो भगवान भी खुश हो गए होंगे, बोलेंगे एकदम असली भक्त आया। भगवान तक तो हमारी पुकार बाद में पहुंचेगा, पुजारी तक पहुंचना पहले जरूरी है। अरे मंदिर का पंडित जी को अभी दक्षिणा के लिए खुदे एकदम जो है सो लाले पड़ गए हैं, वो तुमको क्या मदद करेंगे? हमारे जो पुजारी हैं दक्षिणा लेते नहीं है, दक्षिणा देते हैं। है? हमको भी बताओ नहीं मंदिर कहाँ है और कौन है इसके पुजारी? हमारे बाबूजी। धत तेरी के।
ये वेशभूषा धारण करके उनको मैं मुट्ठी में करने गया था, नहीं तो हमारे बाबूजी अपने सामने हमको खड़ा कहाँ करते। अच्छा, तब बात कहाँ तक पहुंचा है? बात तो अभी रास्ते में है चाचा। आज मैंने उसे पैसा मांग ही लिया है। तसल्ली इस बात का है चाचा, उन्होंने अभी दिया तो नहीं है मुझे पैसा, लेकिन ना भी नहीं कहा है। हमें लगता है बाबूजी विचार कर रहे हैं। बस अपने बाबूजी के विचार पर मैं अमल कर, जब लोहा गरम होना बस चोट कर दो, नहीं तो अगर लोहा ठंडा हो गया ना तो समझ लो कि हम लोग का भी योजना जो है वो भी बह जाएगा अस्थि के तरह गंगा में, का समझे है? देखते देखते वो घड़ी आ गई जिसका तुमसे ज्यादा मुझे इंतजार था। आज की सुबह एक नई किरण लेकर आएगी जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। भैया, आपका प्रोत्साहन नहीं होता तो ये हमसे संभव नहीं हो पाता। ना तो हमें इतनी समझ है और ना ही इतना हौसला कि शादी के बाद हम अपनी पढ़ाई जारी रख पाते। ये तो आपका आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बेटा, एक हीरे को उसकी कदर का पता नहीं होता है और तुम वो हीरा हो जो अब तक गुदड़ी में छुपी हुई थी। तुम्हें तो चमकना ही था। मैं प्रोत्साहन देता या ना देता, तुम्हें तो ऊंचाइयां छूना ही है। भैया, ये आपका बड़प्पन है। आप पिताजी हमारे, मैं भला आपके खिलाफ ऐसा सोच सकता हूँ? मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम मेरे बाप नहीं हो। जरूरत पड़ने पे लोग अपने के ही पास जाते हैं, और किरण होती तो क्या आप ना करते? कहा वो और कहा तुम। अब मैं पता है कि आप हमें फूटी कौड़ी देने वाले नहीं है, सब जो है उसी की झोली में डालने वाले हैं। ये लीजिए और साइन कीजिए। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। जो आपने हमारे लिए किया है शायद ही हम कभी कुछ ऐसा आपके लिए कर पाए। बेटा, तुमने मेरी बात मानकर इतनी मेहनत और परेशानियों के बाद जो अपनी पढ़ाई पूरी की है ना, आज के बाद तुम नहीं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। भैया, ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। आपका कहना मानना ही तो यही तो हमारा फर्ज है। तो चलो ठीक है, फिर एक बात और मान लो मेरी, अब चुपचाप सो जाओ। भैया, अभी थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है, उसको पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगी। अरे बेटा, परीक्षा के दिन दिमाग और शरीर दोनों चुस्त दुरुस्त होने चाहिए, और वैसे भी हमें अर्ली मॉर्निंग परीक्षा केंद्र के लिए निकलना है। चलो सो जाओ। ठीक है। ठीक है।
का जतन नहीं किए, लेकिन ये बहुरिया टस से मस्त नहीं हुई। पढ़ाई भी कर ली और कल इम्तहान दे भी आएगी। अरे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। माँ जी, आशा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं है जितना कि धीरज को उसे पढ़ाने में। आशा जो भी कर रही है सब धीरज की सह पे कर रही है, तभी तो आपकी कहीं भी किसी भी बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये औरत आज ये तेवर दिखा रही है तो पता नहीं कल परीक्षा के बाद तो अपने आप को बड़ी कलेक्टराइन समझने लगेंगी। अब तो राम ही जाने मेरे साथ और मेरे बेटे सूरज के साथ ना जाने अब कौन सा व्यवहार करेगी। माँ जी, आपको आशा को सूरज के साथ भेज देना चाहिए था। वो शहर की भागदौड़ में पढ़ाई लिखाई सब भूल जाती है, और सबसे जरूरी बात, वहाँ धीरज भी नहीं होता जो उसका प्रोत्साहन बढ़ाता। अरे मेरा बस चलता ना तो मैं यही करती। लेकिन तुम जानती हो सूरज को आशा बहुरिया एक फूटी आंख भी नहीं भाती है। अरे हम बोलते ना तो भी उसको साथ में लेकर नहीं जाता। अब बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो सर पे तलवार लटक रही है ना उससे कैसे बचे। अरे पिछली बार भी बहुरिया को परीक्षा से रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी हम नाकामयाब रहे। माँ जी, जहाँ जोर ना चले वहाँ भावनाओं से खेलना चाहिए। का मतलब? मतलब ये कि धीरज तो अपनी राह से डगमगाएगा नहीं। बात रही आशा की, तो आशा की भावुकता का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके पैरों में तो ऐसी बेड़िया डाल दीजिए कि वो घर से एक कदम बाहर ना रख सके और अपनी भावनाओं में खुद ही बह जाए। बात तो तुमने पते की, लेकिन ये कैसे होगा? अरे तू पहले क्यों नहीं मिली? ये क्या है? बाऊजी, आपकी प्रॉपर्टी का पेपर है, साइन कर दीजिए। क्यों? हमारी बात तो हुई थी ना बाऊजी कि दादाजी के नाम पे पार्क बनाएंगे। देखो शिवा, तुमने अपनी योजना मुझे बता दी थी और मैंने तुम्हारी योजना सुन ली थी, बात खत्म हो गई। अब तुम्हारी योजना है, तुम्हें सोचना है कि उसे कैसे पूरा करना है। भौजी, हमारी बात हुई थी, हम लोग मिलजुल करके इस पार्क को बनाएंगे, और ये आपके हिस्से का पेपर भौजी, साइन कर दीजिए इस पे। तुमने क्या मुझे बाकी के गांव वालों की तरफ सोच रखा है क्या? उन्हें ठगते ठगते अब घर तक ले सेन लगानी शुरू कर दी है? कैसी बात कर रहे हैं बाऊजी? आप पिताजी हैं हमारे, मैं भला आपके खिलाफ ऐसा सोच सकता हूं? मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम मेरे बाप नहीं हो। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तुम्हें अपने स्वार्थ से ज्यादा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। आपको तो हमारी चिंता है ही नहीं है। कभी तो बाप बनने का फर्ज निभा दिया कीजिए। जरूरत पड़ने पर लोग अपने के ही पास जाते हैं, तो किरण होती थी क्या आप ना करते? अरे किरण जैसी सुशील बिटिया से तुम्हारा क्या मुकाबला? कहा वो और कहा तुम? अब मैं पता है
या आप हमें फूटी कौड़ी देने वाले नहीं है, सब जो है उसी के झोली में डालने वाले। देखो शिवा, जैसे हम तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं देते हैं ना, तुम भी हमारे किसी मामले में दखल मत दो। अरे हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है ये हम देख लेंगे। देखिए बाबूजी, हम भी आपसे यहाँ बहसबाजी करने नहीं आए। ये लीजिए और साइन कीजिए। किस उल्लू के पट्टे ने बोला कि दस्तावेज साइन हो गए? साइन नहीं हुआ। न साइन हुआ है और न साइन होंगे। कि मार्च साहब के पास में इतना संपत्ति है, उसमें से अगर कुछ दे ही देंगे तो उसमें क्या अड़चन है? क्योंकि जाने के बाद भी हमको कुछ मिलेगा। क्यों? सारी संपत्ति जो है ना, वो उस चुड़ैल की रैना को ही देख जाएंगे। जब हम लोग इतना आगे तक बढ़ ही गए हैं, मार्च साहब को घेरते हैं। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना।